दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग अकाउंट यहां पर बंद हो चुका है या फिर आपके अकाउंट पर होल्ड लग चुका है तो आपको होल्ड हटाने के लिए या फिर अपने बंद अकाउंट को दोबारा से चालू करने के लिए यहां पर आपको KYC करवानी होती है। दोस्तों KYC फॉर्म आपको किस तरह से डाउनलोड करना है और आप किस तरह से KYC फॉर्म को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके कंप्लीट उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में KYC किस तरह से करनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना भाई नमन राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। यानी दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेना चाहते हैं या फिर आप किसी और फाइनेंस से कार लोन करवाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन किस तरह से करवाना होता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको अदर किसी फाइनेंस से आप कार लोन कराते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप स्टेट बैंक से यहाँ पर कार लोन कराते हैं तो आपको किन किन फायदों का यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पर किसी और प्राइवेट फाइनेंस से या फिर कार के जो शोरूम होते हैं वहाँ से अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा देना होता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप स्टेट बैंक में किस तरह से आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर कार लोन अपना ले सकते हैं। और दोस्तों आपको कार लोन लेने के लिए यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कार लोन यहाँ पर कितने दिन में आपका अप्रूव हो जाता है, सो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों यहाँ पर कार लोन लेने के लिए आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर आपकी एज 21 से प्लस और लगभग 67 ईयर से कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स टू 67 ईयर का है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस एज के बीच में आप आते हैं तो यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन अपना बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपकी सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लोन किस किस कैटेगरी में आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है सैलरी पर्सन के लिए, यानी जो व्यक्ति यहाँ पर किसी भी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी गवर्नमेंट संस्थान में यहाँ पर जॉब अगर करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन ऑफर करती है, जो आसानी से लोन यहां पर मिल जाता है, वो है यहां पर सैलरी पर्सन के लिए। यानी कि दोस्तों सैलरी पर्सन में आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, और यहां पर दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो आपकी नेट सैलरी है वो लगभग 25,000 आपके अकाउंट में यहां पर आनी चाहिए। यानी कि आपकी अगर एनुअल आप अपनी सैलरी निकालें तो लगभग आपकी 3 लाख प्लस की सैलरी आपके अकाउंट में एनुअल ईयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में यहां पर आनी चाहिए, तो आप एक कार लोन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी सैलरी इससे थोड़ी कम है तो यहां पर आपके लिए एक एडिशनल जो फीचर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए ऑफर करती है। यहां पर दोस्तों अगर आपके जो किसी ब्लड रिलेशन में अगर कोई पर्सन है जो यहां पर और कोई बंदा जॉब करता है तो यहां पर आप उसकी हेल्प से उसकी जो सैलरी है उसकी सैलरी स्लिप भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उसका रिश्ता है वो यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आपका ये आप फुलफिल करते हैं तो अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 से कम है और आपकी जो जिसकी आप सैलरी स्लिप यहाँ पर लगाने वाले हैं उसकी सैलरी स्लिप में आपकी लगभग 25,000 के समथिंग उसकी भी है, तो यहाँ पर आप दोनों बंदों की सैलरी स्लिप लगाएंगे तब आप अपना यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन यहाँ पर ले सकते हैं।
दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो लोन लेने के लिए आती है वो आती है किसी कारोबारी पर्सन के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए। दोस्तों बिजनेसमैन के लिए लोन लेने के लिए उसका जो सालाना नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर 3 लाख का होता है। यानी कि अगर आप सालाना नेट प्रॉफिट आप 3 लाख का आपको है, यानी कि जो आप यहाँ पर ITR फाइल करते हैं उसके बेसिस पे अगर आपका नेट प्रॉफिट 1 ईयर में 3 लाख प्लस का निकल कर आता है तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कार लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप बड़ी आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका कार लोन यहाँ पर कर देंगे। दोस्तों तीसरी कैटेगरी जो यहाँ पर लोन लेने के लिए आती है वो होती है जो पर्सन यहाँ पर खेती करते हैं, यानी कि किसान भाइयों के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा लोन ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर किसान भाइयों को लोन लेने के लिए उनकी जो नेट प्रॉफिट है वो एनुअल नेट प्रॉफिट लगभग 4 लाख का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर 4 लाख का लगभग है तो यहाँ पर आप कार लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ पर ख्याल आएगा कि सर हम अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर किस तरह से निकालें। सो दोस्तों जो किसान भाई होते हैं उन्हें जितना भी नेट प्रॉफिट हो रहा है सो दोस्तों आपको यहाँ पर जो इनकम टैक्स फाइल करना होगा और यहाँ पर आपको ITR यहाँ पर रिटर्न करना होगा। जब आप यहाँ पर ITR रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आपका एक नेट प्रॉफिट एक एज ए डॉक्यूमेंट के प्रूफ में यानी कि ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर निकल कर आएगा। और आप यहाँ पर अगर आपका इतना नेट प्रॉफिट ईयर में है तो यहाँ पर आप 4 लाख प्लस का अगर आप नेट प्रॉफिट अपने ITR में आपका आता है तो यहाँ पर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 3 कैटेगरी में लोन यहाँ पर ऑफर करता है। अगर आप इन 3 कैटेगरी में से किसी में भी आप आते हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि सर अब आपने यहाँ पर समझ लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना लोन आपको देता है। दोस्तों अब एक यहाँ पर बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो आता है कि सर हम इन कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना लोन मिलेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लोन की बात करूँ तो जो पर्सन यहाँ पर सैलरी अकाउंट वाले हैं यानी कि जो यहाँ पर जॉब करते हैं सो उन्हें दोस्तों जितनी सैलरी उनके अकाउंट में नेट मंथली आती है उसके दोस्तों यहाँ पर 48% आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इतना लोन स्टेट बैंक यहाँ पर देता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी आपकी नेट अकाउंट में यहाँ पर आती है तो आप 25,000 को यहाँ पर 48 से गुना कर दीजिए, आपको इतना लोन नेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 मंथ में यहाँ पर आपको देता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सेकंड कैटेगरी की बात करूँ सो दोस्तों यहाँ पर आती है बिजनेसमैन के लिए यानी कारोबारी लोगों के लिए। दोस्तों कारोबारी लोगों के लिए यहाँ पर जितना भी उनका नेट प्रॉफिट 1 ईयर में होता है दोस्तों उसका यहाँ पर 3 गुना लोन बैंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपने अपना टर्नओवर यहाँ पर 3 लाख यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट बैंक की तरफ से 9 लाख का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो अमाउंट के अकॉर्डिंग जितना आपका नेट प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों तीसरी कैटेगरी आती है किसान भाइयों के लिए, जो भाई हमारे खेती करते हैं उनके लिए। दोस्तों अगर आप अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपये दिखाते हैं तो आप यहाँ पर 4 लाख का 4 गुना लोन आप यहाँ पर स्टेट बैंक के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 कैटेगरी में आपको जो मैंने आपको बताया है इतना लोन यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कितना लोन यहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है जो सभी लोगों के दिमाग में यहाँ पर आता है कि सर हमें लोन यहाँ पर जो कार हमने पसंद की है उस कार की वैल्यू पे हमें कितना लोन यहाँ पर मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर सैलरी जो वाले पर्सन हैं तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको 95% जो आपकी कार की वैल्यू है उस पे आपको 95% लोन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। यानी कि ऑन रोड प्राइस पे आपको 95% लोन यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो
जो पर्सन यहाँ पर खेती और जो कारोबार करते हैं उनके लिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर 85% लोन यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पे ऑफर करता है। सो इस तरह से आप इन दोनों कैटेगरी में ऑन रोड प्राइस पे आपको फाइनेंस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सर हमें लोन कितने साल के लिए मिलता है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोन की जो दोस्तों कम से कम जो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो है 3 साल। दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 3 साल से 7 साल के लिए लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो आप 3 साल से 7 साल में उस लोन की EMI बनवा कर आप उस लोन को यहाँ पर बड़ी आसानी से आप चुका सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि दोस्त कि सर हमें यहाँ पर EMI कितनी देनी होती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको EMI के बारे में बताऊँ तो दोस्तों EMI यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितना फाइनेंस स्टेट बैंक के साथ करा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपना कम फाइनेंस स्टेट बैंक से कराएंगे तो यहां पर आपका जो है दोस्तों आपकी EMI भी कम निकल कर आएगी। और दोस्तों EMI यहां पर आपकी डिपेंड करती है सिविल स्कोर पे, यानी कि दोस्तों अगर आप यहां पर जो आपकी EMI है वो सिविल रिपोर्ट पर आपकी डिपेंड करती है। और दोस्तों यहां पर अगर अब आपके जो दिमाग में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट कितना स्टेट बैंक को देना होता है, जो सारे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों आते हैं वो ये है कि सर हमें स्टेट बैंक को कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर आप कोई भी स्टेट बैंक से कार लोन का फाइनेंस 3 से 5 साल के लिए कराते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपका सिविल स्कोर जो है वो दोस्तों आपका 750 से ज़्यादा है, सो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.75% का इंटरेस्ट रेट आपको देना होता है, यानी कि 7.75 का इंटरेस्ट रेट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है। यहाँ पर सेकंड कैटेगरी आपकी आती है वो दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पर लोन लेते हैं अपना 3 से 7 साल के लिए और आपकी यहाँ पर जो सिबिल स्कोर है वो 750 से कम है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक को देना होता है वो होता है 7.85 का, यानी 7.85 का। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी आपकी सिबिल स्कोर है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। दोस्तों EMI की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो EMI आपकी यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी वैल्यू का यहाँ पर कार लोन लिया है। आप जितनी वैल्यू का यहाँ पर कार लोन लेंगे आपको उसके हिसाब से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर EMI बनाकर देता है। दोस्तों स्टेट बैंक में एक एडिशनल फीचर आपको मिलता है, यहां पर अगर आप स्टेट बैंक के साथ कोई भी कार लोन फाइनेंस कराते हैं तो यहां पर आपको EMI 1 महीने बाद से देनी होती है, यानी कि दोस्तों आप जब कार लोन यहाँ पर करा लेंगे तो आपको EMI जो है वो 1 महीने बाद से देनी शुरू करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप दूसरे किसी फाइनेंस से यहाँ पर कार लोन कराते हैं तो यहाँ पर आपसे वो 1 महीने की एडवांस EMI लेते हैं, जो आपको काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी शुल्क नहीं लेता है। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो हमारे 31 दिसंबर 2020 तक फ्री थी, लेकिन दोस्तों अगर 31 दिसंबर 2020 के बाद कोई भी यहाँ पर चेंजिंग होती है तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अपडेट यहाँ पर दे दूंगा कि स्टेट बैंक ने अब इतनी जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पर कर दी है। सो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी तक कार लोन के नाम पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है, जो काफ़ी अच्छा आपके लिए है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी और फाइनेंस से कार लोन कराते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी अमाउंट की प्रोसेसिंग फीस यानी कि लगभग 1% और प्लस GST आपको देनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अब जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करूँ, आपने कंप्लीट प्रोसेस ये समझ लिया है कि आपको कार लोन लेने के लिए क्या क्या करना होता है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी सैलरी स्लिप, और अगर आप यहाँ पर बिजनेसमैन हैं तो आपके यहाँ पर ITR फाइल जो आपने किया है वो, और दोस्तों 4 पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड लेकर अपनी नियर बाई बैंक में चले जाइए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास उस बैंक में सेविंग अकाउंट पहले से नहीं है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट जब आप यहाँ पर कार लोन कराएंगे तो वहाँ पर आपका हाथों हाथ ऑन द स्पॉट सेविंग अकाउंट आपका ओपन कर दिया जाएगा।
सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक में चले जाइए। और बैंक में दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर एक आपको समझना होगा कि दोस्तों जब आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो तरह के ऑनलाइन ऑप्शन दिए जाते हैं। एक आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू आप जो कार लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और दोस्तों एक स्टेट बैंक की योनो एप्लीकेशन के थ्रू आप यहां पर कार लोन का आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक की योनो एप्लीकेशन से जब आप यहां पर कार लोन का आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक आपको बहुत अच्छा जो फीचर है वो स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाता है, वो ये है यहाँ पर आपका 0.25% यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आपको 0.25% का रिफंड स्टेट बैंक की तरफ से मिल जाता है जब आपका कार लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा जो आपको रिफंड का फीचर है वो स्टेट बैंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। सो दोस्तों इस तरह से आप इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके स्टेट बैंक से अपना कार लोन करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी और फाइनेंस के पास जा रहे थे अपना कार लोन कराने के लिए, तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप किसी और फाइनेंस से कार लोन कराते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा जो ब्याज जो उस प्राइवेट फाइनेंस को देना होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे वो एडवांस ईएमआई लेता है जो आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। सो इसलिए आप इस कंप्लीट प्रोसेस को जो आप फॉलो कीजिए और आप स्टेट बैंक के साथ अपना कार लोन यहाँ पर करा सकते हैं। सो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको अपना न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना न्यू अकाउंट ओपन करना है। तो और दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और ऊपर आई बटन में एक बार जाकर आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।